हेलो एवरीवन, राधे राधे सबको। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हो गए। तो यहाँ पर शाम का टाइम था, तो आज नन्नू ने मुझे बहुत अच्छे से काम पे लगा दिया है। मतलब उनको प्रोजेक्ट मिला था, तो वही मैं उनका बना रही हूँ। पेपर से बैग बनाना था, कैरी बैग, तो वही मैं बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया, ब्लिंकिट वाली डोरी तोड़ ली, आप साइड में देख रहे हैं। मैंने दिमाग लगाया थोड़ा सा, तो डोरी मैं इसकी बना दूंगी और बैग मैंने पेपर का बनाया। बहुत सुंदर बना था, बट सॉरी मैं क्लिप लेना ही भूल गई। प्रोजेक्ट बनाते बनाते हालत ख़राब हो गई। फिर उसके बाद एक मतलब बनाया, फिर एक बिगाड़ा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने दोबारा बनाया, तो उस चक्कर में लगाई भूख। तो मैं यहाँ पर अपनी मोस्ट फेवरेट चिया पुडिंग खा रही हूँ। मैं मोस्टली इसको मिड मील में लेती हूँ, अदरवाइज़ इवनिंग स्नैक्स में ले लेती हूँ। अगर किसी को रेसिपी जाननी है इसकी, तो बहुत ईजी सी है। अगर आप चाहो तो मैं बता देती हूँ। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। शाम हो चुकी है और मैं आ गई हूँ किचन में। मेरी नन्नू की ना मोस्ट फेवरेट सब्जी है पालक पनीर। फरमाइश आ गई है लंच बॉक्स में ले जाने उनको कल पालक पनीर। तो जब मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी रहती है ना, तो मैं एक शाम पहले ही करके रख लेती हूँ, क्योंकि रात के अलग काम स्टार्ट हो जाते हैं। पालक वगैरह हो गया, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं पालक में बहुत सारा झंझट होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है, और मॉर्निंग में इतना रश रहता है कि ये सब करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता। ऐसे लगता फटाफट लंच बनाओ और रख दो। तो अभी मैं इसके जो लकड़ियाँ वो करूँगी और इसको अच्छे से साफ करके धुल करके सुखा करके रख दूंगी, ताकि कल बस इसको बनाने का काम रह जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने अच्छा अच्छा पालक एक सा करके रख लिया है। तो इस तरीके से मैंने अच्छा अच्छा पालक निकाल लिया है, मैं इसको वॉश करूंगी। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है ये अगारो का सैलेड स्पिनर। फ्रेंड्स, ये 5 लीटर का है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, और ये बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको आपको यूज़ कैसे करना। तो फ्रेंड्स, अब मैं सबसे पहले पालक को अच्छे से वॉश कर लूँगी, और जो इस तरीके की पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं ना, उनको थोड़ा सा बड़ा बर्तन ही चाहिए होता है। तो इसमें ये आराम है कि जैसे कि ये 5 लीटर का है, तो काफ़ी बिग साइज़ है, तो इस तरीके से इसका जो अटैच्ड बास्केट होती है वो हट जाता है, तो ये एज अ बॉल भी काम करता है। तो इसमें हम अपनी सब्जियाँ सैलेड वगैरह अच्छे से वॉश कर सकते हैं। तो आप इसमें कुछ भी सब्जियां और सैलेड अच्छे से वॉश कर सकते हैं और स्पिन करके इसको ड्राई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पालक में गंदगी निकली है, जिसको वॉश करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सभी सब्जियों को होता है, बट हाँ, पालक और जो इस तरीके की होती है, इनको तो और ज़्यादा केयरफुली हमें करना पड़ता है। तो 2 से 3 बार मैं अच्छे से इसी बॉल में पानी चेंज कर करके मैं इसको साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत ईजिली इसकी जो बास्केट है वो फिर से अटैच कर दी है, और मैं सारा जो पालक है इस बास्केट में डाल दूंगी, और फिर इसके बाद मैं इसको अच्छे से स्पिन कर लूँगी। फ्रेंड्स, इसको स्पिन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ईजिली स्पिन हो जाता है ये। और अभी आप देखिएगा, बिल्कुल भी मतलब एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। इवन मैं आपको एक उंगली से भी यहाँ पर करके दिखा रही हूँ कि ये कितना ज़्यादा लाइट है। ऐसा कुछ नहीं है कि जब आप इसको स्पिन करोगे तो बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी, या ये बहुत ज़्यादा हैवी तरीके से स्पिन होगा। तो आपको बहुत ईजिली आप इसमें जो भी सैलेड सब्जियां वगैरह डालेंगे वो बहुत अच्छे से स्पिन हो जाएंगी। इसका जितना भी एक्सेस वाटर है वो सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पर ये स्टॉप बटन दिया है, इसको दबाने से झट से स्टॉप हो जाता है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पूरी तरीके से जो मेरा पालक है वो सूख चुका है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी एक बूंद मतलब गिर भी नहीं रही है ज़रा सी भी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें से कितना एक्सेस वाटर निकला है। अभी भी मतलब मैंने अच्छे से इसको डाला था पानी झाड़ करके, बट फिर भी इसमें कितना सारा पानी था, देखिए इतना पानी इसमें था, तो ये अच्छे से निकल करके सूख गया है। तो बस इसी तरीके से इसमें चीज़ों को फटाफट से धुल करके सुखा करके रेडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पालक अच्छे से ड्राई हो गया, मैं इसको स्टोर करके फ्रिज में रख दूंगी, और मॉर्निंग में फटाफट से बस निकालूंगी और बनाना रह जाएगा से। तो इस तरीके से, जैसे कि अभी विंटर्स आ रहे हैं, बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां होती हैं जिनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे सोया हो गई, मेथी हो गई, मूली के पत्ते हो गए, पालक, पत्ता गोभी, सलाद के पत्ते हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बथुआ हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें का सीजन आने ही वाला है, और हमारे सभी घरों में भरमार होने वाली है पत्तेदार सब्जियों की। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो आप लोग भी, मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को भी ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा रहेगा। जो एक्स्ट्रा वाटर है वो आप उसको निकाल देना, क्योंकि ये ऐसी सब्जियाँ इतनी डेलिकेट होती हैं, ज़रा सा भी पानी रह जाए ना तो तुरंत सड़ने सी लगती हैं, चाहे फिर कितनी भी सर्दियाँ क्यों ना हो जाए। फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको ट्राई करना है प्रोडक्ट तो आप परचेज कर सकते हो वहाँ से जाकर। घर
के काम कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो। बस कहने को होता है कि हाँ इस वक्त कम काम है, उस वक्त कम काम है। तो अभी मैं यहाँ पर कपड़े लगा करके आई हूँ धुलने के लिए। और यहाँ पर ना एक ये पीनट बटर का डब्बा सा है, मतलब कुछ ऐसे डिब्बे होते तो मैं फेंकती नहीं हूँ, थोड़े दिन एटलीस्ट मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। वॉश करके मैंने इसको सुखा लिया था। कुछ भी एक्स्ट्रा दाल मोट छोटे मोटे बिस्किट चटर पटर बच जाते हैं तो मैं इसी में करके रख लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं बट हाँ कुछ दिनों तक मैं इसको ऐसे चला लेती हूँ। तो कौन कौन ऐसे करता है बताना। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर अपना डिनर भी बना लिया है। डिनर में बनाया मैंने राजमा चावल, बहुत ही लाइट सा डिनर है। और रात में कोशिश करते हैं वैसे तो मोस्टली दाल पिए, बट हाँ कभी कभी ना दाल से मन ऊब सा जाता है एक सा, तो कभी कभी चलता है थोड़ा सा। वैसे मोस्टली सारी चीज़ें हम लोग लंच में करते हैं। चावल में इस तरीके से बनाती हूँ, इसका पानी वगैरह निकाल करके, तो बहुत लाइट होते हैं, मतलब खाने में हैवीनेस नहीं होती, ब्लोटिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट राजमा तैयार हो गए हैं, चावल भी बन गए हैं, और तब तक मैं कर लूँगी साथ ही साथ घर की सफाई। मतलब सारे काम चल रहे, उधर कपड़े धुल रहे हैं और इधर मैंने घर को समेटा है जो भी सामान फैला था। मुझे ये था अभी सब जैसे अपने अपने काम को गए, घर खा लिए, तो मैं फटाफट से अपना जो काम है वो निपटा लूँ। तो इस तरीके से मेरा शाम का जो रूटीन है कुछ रहता है। हाँ कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा काम होता है, कभी ज़्यादा काम होता है, कभी कम काम होता है, बट हाँ काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो मुझे ना बेडशीट चेंज करनी थी। मोस्टली मेरा ये काम मॉर्निंग का होता है, मैं बहुत रेयर बेडशीट रात में चेंज करती हूँ, क्योंकि फिर चेंज करके ना सो तो तुरंत ख़राब सी हो जाती है। बट मैंने कहा आज मुझे उलझन सी हो रही थी देख करके, मैंने कहा नहीं अब मैं इसको अभी चेंज कर देती हूँ, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जो है तब तक ये आ गए थे, तो लाए थे सब्जियाँ और चावल भी ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने मतलब सारा सामान मोस्टली मंगा लेती हूँ, दूध दही वगैरह वो सारा कुछ रख दिया है। तो मैंने कहा इसको ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उससे पहले मैं डिनर कर लेती। तो सब लोगों का डिनर हो गया, मैं ही रह गई थी, तो भूख सी लग रही थी, फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता तो वो चीज़ ठीक नहीं रहती। मैं जल्दी कर लेती हूँ ना डिनर, इस वजह से मैंने कहा फिर उसके बाद काम में लगती हूँ, क्योंकि फिर मैं काफ़ी देर के लिए फुर्सत होने वाली हूँ। तो डिनर करके मैं लग गई हूँ काम पर, सारी सब्जियाँ अच्छे से एक सीखी धुली सुखाई, और ये डब्बा मैंने, मुझे पता था ये चावल मतलब ला रहे होंगे, तो फिर मैंने पहले से ही सुखा लिया था, तो मैंने सारे चावल इसमें पलट दिए। मतलब ऑलमोस्ट सारा जो सेटअप है किचन का और फ्रिज का वो सारा कुछ मैंने कर दिया। तो जो भी सामान ख़त्म होता है मैं साथ के साथ मंगाती रहती हूँ, और सब्जियाँ वगैरह मेरी आदत है जब भी आती हूँ तो मैं इस तरीके से इकट्ठे बैठ करके इनको वॉश कर लेती हूँ, सुखा लेती हूँ। तो बस अब अच्छे से धुल चुके हैं और मैं इनको फ्रिज में अच्छे से सेट करके रख दूँगी, तो अब कोई झंझट नहीं रह जाएगा, बस निकालो और बनाओ, यूज़ कर लो इन सारी चीज़ों को। फ्रेंड्स आप लोग अक्सर पूछते रहते हो मैं ब्लॉग क्यों नहीं बनाती हूँ, ब्लॉग क्यों नहीं बनाती हूँ, तो आज मैं फाइनली इस चीज़ का जवाब देने वाली हूँ कि लाइफ में ना कुछ ऐसी उथल पुथल मची है कि कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ बड़े फैसले हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी के लिए लिए हैं वो भी बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस फ़िलहाल इतना, इतने महीनों में मैं आपको इतना शॉर्टकट में आज बता पाई हूँ। पूरा ब्लॉग मैंने ऐसे ही निकाल दिया, आप लोगों से बात नहीं की, कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर करना, आरओ चल रहा है तो पानी की आवाज़ होगी, और फ़ैन को मैंने धीमा तो कर लिया है अगर फिर भी आवाज़ आ रही है तो इसको इग्नोर करना, और पीछे वाले सस्टेन को इग्नोर करना, क्योंकि ये है होली का, ये आर्यन जी की मेहरबानी है, तो होली की निशानी है ये। तो आपको लगे ना कुछ गंदा सा है तो फिर ये कलर है जो होली में मिलते हैं ना, सिल्वर वाले गोल्डन वाले स्प्रे जो मिलते हैं वो स्प्रे कलर है ये। तो होता रहता है त्योहारों में तो थोड़ा बहुत, स्पेशली होली में अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत कलर वलर इधर उधर लगा रहता है, फिर वो वॉल से हटता नहीं, हटाने की कोशिश की थी बट वो हटा नहीं। अगर किसी को और ज़्यादा, एक सेकेंड कैमरा क्लीन कर लेती हूँ, कुछ अच्छा आइडिया हो कि कलर को कैसे हटा सकते हैं तो मेरे साथ शेयर करना, मैं ट्राई करूँगी अगर ये हट जाता है तो। आज बहुत काम हो गया, मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि जो सारा काम है वो मैं रात में ही करके सोऊं, क्योंकि जो मॉर्निंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी से हैक्टिक होती है, क्योंकि मॉर्निंग में ऑलरेडी से जब ये लोग ये ऑफिस जाते हैं, नन्हे स्कूल जाती है, तो फिर सामान फैलता ही फैलता है, तो कपड़े वगैरह बिखरे रहते हैं मॉर्निंग में, बुक्स वगैरह बिखरी रहती है, बेड
थोड़ा सा वैसा रहता है, ये जाते तो ये कुछ अपना सामान बिखेर देते हैं, तो ऑलरेडी से मॉर्निंग में घर की क्या हालत होने वाली पता होता है। तो मैं रात में कोशिश करती हूँ मेरा मोस्टली जितना काम है मैं निपटा सकूँ, ताकि मॉर्निंग में जो काम है वो थोड़ा सा उसका बर्डन कम हो सके। मैं तो ऐसे करती हूँ, कौन कौन ऐसे करता है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और नहा करके सोती हूँ, मेरी आदत है मोस्टली, शायद ही कभी हो जाए तबीयत ठीक ना लगे कभी, है ना, थोड़ा सा कुछ फीलिंग अच्छा ना फील करूँ तो हो सकता है ना ना हो, तो बस मैं नहा करके सोती हूँ। आई थिंक सभी लोग ऐसे करते होंगे, क्योंकि गर्मियाँ ही इतनी चल रही हैं, बिना नहाए नींद ही नहीं अच्छी आती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है, फील होता है। नॉर्मल सी बातें, पता नहीं मैंने क्यों शेयर कर दी, बस मुझे अच्छा लग रहा था, फ्रेश तो आपके साथ शेयर कर दी। मुझे ना रात में बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ शांति हो जाती है, सन्नाटा, रोड खाली हो जाती है, लाइटें जल रही होती हैं, रोड लाइट्स, बाहर का इतना अच्छा लगता है, सुहावना सा मौसम, हवा चल रही है आजकल, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून, सूदिंग, रिलैक्सिंग। और ये टाइम ऐसे होता है कि बस अब मेरे पास कोई काम नहीं है, घर की कोई काम नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब ऐसे लगता है सांस में सांस आई, कुछ करना नहीं है, अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, तो मुझे ये वाला टाइम बहुत बहुत अच्छा लगता है। रात में ये दोनों लोग सो चुके हैं, पापा बेटी, और मैं भी बस सोने ही जाऊँगी थोड़ी देर में। तो मैंने सोचा आज आपसे बात करती हूँ, काफ़ी दिनों के बाद मिल रही हूँ आपसे, एंड आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे हो। आँखें कैसी रेड रेड हो रही हैं, मेरी आँखें रेड हो रही हैं, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, गलत फहमी होगी। मैं ना क्या करती हूँ कि मैं पूरा घर में अंधेरा कर लेती हूँ, जो मिरर वाली लाइट है ये, तो इसका तो ज़्यादा काम होता नहीं है वैसे, बस हाँ इस टाइम मैं थोड़ी देर इसको जला लेती हूँ, भीनी भीनी सी रोशनी रहती है पूरे इसमें, तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो इस तरीके से मैं बैठती हूँ। रात की वजह से हो सकता है रेड रेड लग रही हूँ, आपको लग रही है क्या बताना, ज़्यादा ही लग रही है, देखूँ जाके क्या शीशे में देखती। दुनिया की इस भीड़ में जब कुछ लोग आपको याद रखते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, जिन्हें आपकी याद आती है, आपसे पूछते हैं, आपके वापस आने का इंतज़ार करते हैं, आपकी खबर लेते रहते हैं, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं दिल को, बहुत बातें, तो मेरे लिए बात छोटी नहीं है, मेरे लिए स्पेशली बहुत मायने रखती है चीज़ कि आप लोग मेरी खबर लेते रहते हो कमेंट्स के, तो थैंक यू सो मच, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और इतने प्यार के लिए दिल से थैंक यू, आप लोग मुझे भूलते नहीं हो, मैं कितने भी दिन आपसे ना मिलूं और अब कोशिश करूंगी कि मिलती रहूं, और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, कुछ होगा तो आपके साथ आपकी दिव्या ज़रूर शेयर करेगी, और बस इसी के साथ कर देती हैं इस वीडियो का एंड, मैं जाती हूँ सोने और फिर सुबह की तैयारी करनी, जल्दी से सो जाऊँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, नन्नू को स्कूल भेजना है, तो चलिए करते हैं इस वाली वीडियो का एंड, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और मुझे कमेंट करते रहिएगा, प्यारे प्यारे लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को।